से आप भी हो जाती हैं बार बार परेशान। मौसम चेंज होते ही आपको भी हो जाती है मेरी तरह सर्दी और जुकाम, और इन दवाइयों को खा खा के हो गई हैं आप परेशान, या इन दवाइयों को खा के आप करती हैं अपनी सर्दी की समस्या का समाधान। तो रुक जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि सर्दी में बार बार ये कफ कोल्ड की दवाइयाँ आपको दे सकती हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ, ये दवाइयाँ आपकी सर्दी में आपको बहुत नुकसानदायक भी हो सकती हैं। जहाँ ये आपको फायदा देती हैं वहाँ ये आपको नुकसान भी देती हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को राधे राधे। मैं विजयलक्ष्मी मौर्य हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जी हाँ, अगर मेरी तरह आपको भी सर्दी की समस्या, जो कि मौसम वेदर चेंज हुआ और होता गया, तो यहाँ आप क्या करती हैं भाई, सर दर्द, खांसी, छींकना, क्या हुआ, दवाइयाँ खा लिया। पर ये दवाइयाँ खाने से, रेगुलर सर्दी की दवाई खाने से कफ हमारे सीने में जम जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप करें क्या, करने के लिए दो उपाय हैं, एक घरेलू नुस्खा और दूसरा जादुई पैड। जी हाँ, अगर सर्दी खांसी से आप परेशान हैं, बार बार छींक आ रही है, नोज ब्लॉक हो जा रहा है, तो आप घरेलू नुस्खा यूज कीजिए। घरेलू नुस्खे में आप स्टीम लीजिए, काढ़ा पीजिए, और ये सुकन्या केयर संस्था का सैनिटरी नैपकिन का एनायन चिप यूज कीजिए। जी हाँ, अगर आपको सर्दी हुई है तो आप भाप लीजिए, काढ़ा पीजिए, और ये सुकन्या केयर का आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये होता है एनायन चिप। इस एनायन चिप को आप यूज कीजिए। ये किसी में ग्रीन किसी में पिंक होता है। आपको सिंपली 2 चम्मच पानी से इसको गीला करके इसको निकाल लेना है, और उसके बाद आपको अपने नोज पे चिपकाना है। अगर आपका नोज ब्लॉक है, आपको गले में दर्द है, छींक आ रही, खांसी आ रही है, तो एक आप अपने नोज पे लगाइए, एक आप अपने गले पे लगाइए, और एक आप अपने सीने पे लगाइए। पर ध्यान रखिएगा, एनायन चिप को गीला करने के बाद ही। अगर आप ऐसा रेगुलर एक दिन मात्र 24 घंटे कर ले रहे हैं, तो आप देखेंगे बिना दवाइयों के आपकी सर्दी खांसी हो जाएगी दूर। तो ऐसे और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पे न्यू है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो हमें जरूर बताइएगा। राधे राधे।